हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 10 और 11 अगस्त के लिए हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से जहां जीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं लोगों के मन में बीते वर्ष की आपदा की भयानक यादें फिर से ताजा हो गई है। प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है और आने वाले समय में भी बारिशों का दौर यूं ही जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने जहां 2 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं आगामी दिनों में 14 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 10 और 11 अगस्त को अत्यधिक बारिश होने की संभावना है और 14 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 और 9 अगस्त को मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 10 और 11 अगस्त को प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 14 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। इसके साथ ही भारी बारिश को देखते हुए अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी जारी की गई है। इन जिलों में हिमाचल प्रदेश का जिला चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिला शामिल है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटे में जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 13 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं शिमला में 16.5 डिग्री, सुंदरनगर में 21.3 डिग्री, भुंतर में 22 डिग्री, कल्पा में 15.4 डिग्री, नाहन में 23.3 डिग्री, पालमपुर में 20 डिग्री, सोलन में 20.2 डिग्री, मनाली में 19.1 डिग्री, कांगड़ा में 22 डिग्री, मंडी में 23.7 डिग्री, बिलासपुर में 25 डिग्री, हमीरपुर में 24.8 डिग्री, चंबा में 23.2 डिग्री, कुफरी में 15.9 डिग्री, कुकुमसेरी में 13 डिग्री, नारकंडा में 13.8 डिग्री, भरमौर में 18.5 डिग्री, रिकांगपियो में 18.1 डिग्री और धौलाकुआ में 25 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है।